फ्री फायर है तो कैरेक्टर एबिलिटी। अब है तो कैरेक्टर के पैसिव स्किल कैरेक्टर है जिस कैरेक्टर के पास दो रूप है, एक नॉर्मल है तो और दूसरा एलर्ट है तो, जिसमें दोनों के पास अलग अलग एबिलिटीज है, जिसमें से पहले रूप की एबिलिटी आपको बेनिफिट देगी और दूसरे रूप की एबिलिटी आपको और भी ज्यादा बेनिफिट देगी। तो अगर आपको भी जानना है कि ऐसी कौन सी बेनिफिट देने वाली है तो कैरेक्टर की दोनों रूप की एबिलिटीज है, तो चलो बताता हूँ है तो कैरेक्टर की एबिलिटी। अब सबसे पहले नॉर्मल है तो कैरेक्टर की बात की जाए, जिसमें जिस कैरेक्टर की एबिलिटी के अनुसार, अब मान लो आपके पास है तो कैरेक्टर है और जब आपकी एचपी कम होगी तो आप किसी भी एनिमी को ज्यादा डैमेज दे पाओगे, चाहे एनिमी के पास किसी भी लेवल का आर्मर हो। अब आर्मर मतलब वेस्ट और हेलमेट, जिसमें आप चाहे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या फिर लेवल 4 ही क्यों ना हो, आप है तो कैरेक्टर से किसी भी एनिमी को ज्यादा डैमेज दे पाओगे। बस एक कंडीशन है, आपकी एचपी कम होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना। अब एक और बात, आपकी जितनी एचपी कम होगी आप एनिमी को उतना ज्यादा आर्मर के आर पार डैमेज दे पाओगे, जिसको इंग्लिश में आर्मर पेनिट्रेशन कहते हैं। अब अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप इस क्लिप में देखो, जिसमें अब यहाँ पे एक तरफ है तो कैरेक्टर है और दूसरी तरफ एनिमी है जो कि नॉर्मल कैरेक्टर को यूज कर रहा है, जिसके पास 3 लेवल का वेस्ट और हेलमेट है और साथ ही साथ एबिलिटी टेस्ट करने के लिए स्नाइपर गन में AWM गन को यूज कर रहा है, जिसमें जब है तो कैरेक्टर की एचपी फुल होगी तब है तो कैरेक्टर से एनिमी को AWM का बॉडी डैमेज दोगे तो 126 का पड़ रहा होगा और वही पे AWM से हेड पे 513 का। अब ये तो बात होगी जब है तो कैरेक्टर की एचपी फुल होगी तब की, जिसमें एबिलिटी वर्क नहीं करेगी, पर वही पे अगर बात की जाए जब एचपी कम होगी तब की, तो जब है तो कैरेक्टर से AWM को यूज करते हुए एनिमी को बॉडी पे डैमेज दोगे तो 150 का डैमेज पड़ रहा होगा और वही पे AWM से हेड पे 753 का, वो भी 3 लेवल के वेस्ट और हेलमेट पे। अब ये तो हो गई इतनी एचपी की बात, पर अब यहाँ पे है तो कैरेक्टर की एचपी जितनी ज्यादा कम होगी आप एनिमी को उतना ज्यादा डैमेज दे पाओगे, चाहे एनिमी ने किसी भी लेवल के वेस्ट या हेलमेट को इक्विप किया हो। और इसी वजह से तो नॉर्मल है तो कैरेक्टर को अटैकिंग कैरेक्टर भी कहा जाता है। अब ये तो हो गई नॉर्मल है तो कैरेक्टर की बात, अब बात करते एलर्ट है तो कैरेक्टर की, जिसमें जिस कैरेक्टर की एबिलिटी के अनुसार मान लो आप कोई भी एनिमी सामने से डैमेज देगा तो आपको डैमेज कम पड़ेगा, मतलब एनिमी जब आपको फ्रंट से डैमेज देगा तो आपको डैमेज कम पड़ेगा, पर वहीं पे कोई एनिमी पीछे से मतलब बैक साइड से डैमेज देगा तो आपको डैमेज कम नहीं पड़ेगा, मतलब एबिलिटी वर्क नहीं करेगी, इस बात को ध्यान में रखना। अब अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप इस क्लिप में देखो, जिसमें एक तरफ है एलर्ट है तो कैरेक्टर और दूसरी तरफ है नॉर्मल कैरेक्टर, जिसमें एबिलिटी को टेस्ट करते वक्त विदाउट स्किन वाली एक गन को यूज करा है, जिसमें जब एनिमी है तो कैरेक्टर को डैमेज देगा तो है तो कैरेक्टर इतने बुलेट्स बाद मर जाएगा और वहीं पे नॉर्मल कैरेक्टर इतने बुलेट्स बाद। अब इस क्लिप को दिखाने का मतलब है जो कैरेक्टर जल्दी मरेगा उसकी डिफेंसिव पावर कम होगी, मतलब एनिमी से जल्दी मर जाएगा, और वहीं पे जो देर से मरेगा उसकी डिफेंसिव पावर ज्यादा होगी, जिसमें है तो कैरेक्टर जीत रहा है और इसीलिए तो इलीट है तो कैरेक्टर को डिफेंसिव कैरेक्टर भी कहते हैं। अब आई होप मैं इस एक्सप्लेनेशन से आशा करता हूँ कि आपको है तो कैरेक्टर की एबिलिटीज अच्छे से समझ आई है। अब आप है तो कैरेक्टर को CS में यूज करो या फिर BR में, आपको है तो कैरेक्टर से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको है तो कैरेक्टर से सिर्फ बेनिफिट ही मिलेगा। अब अगर आपको है तो कैरेक्टर की एबिलिटी अच्छे से समझ आई है तो इसे यूज करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर, गुड बाय।